आदरणीय पंच कमेटी और इस मेला प्रांगण में बैठे हुए सभी श्रोता बंधुओं के चरणों में सतवीर सिंह की तरफ से हाथ जोड़ करके नमामि नमस्कार राम राम सा। सरदारों, आज आपके गांव के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे गाने वाले हैं और यह बात की तो तुमने पता ही है कि कल सवेरे थे और अब आए के पहलो नंबर आए हो, कोई बात ना है। और सभी गाने वाले आपके सामने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं और कह रहे थे कि भैया कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सरदारों, आप जैसे विद्वानों ने दो लाइनों के अंदर सुझाव दिया है चाचा जी, विचार करने वाली बात है, सोचने वाली बात है। हम लोग अगर त्या आए कि एक बार गलती करे, ये एक बार गलती करे उसे नादान कहते हैं और दूसरी बार गलती करे उसे शैतान कहते हैं और बार बार गलती करे उसे पाकिस्तान कहते हैं और हर गलती को माफ करे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। बंधुओं, एक कवि ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा, भैया जी सुनने वाली बात होगी, कैसे ये जल से गहरा कौन है, जीबा हलाले
सको घट जाएगो तेरो सहज बुढ़ापो कट जाएगो तेरो सहज बुढ़ापो कट जाएगो तेरो चल रही है चाचा जी। और बेटा पिंटू जिकड़ी का गाना कोई बाजीगर का खेल नहीं है, ये जिकड़ी को गाना मर्दों का गाना होता है बाबा साहब। सुनिए, एक समय पर कौन कब छोटा सा बच्चा बप्रवाहन और गांडीवधारी अर्जुन उसके पिता हैं। बंधुओं युद्ध के मैदान के अंदर दोनों के बीच में बहुत ही घमासान युद्ध चल रहा है, लेकिन सज्जनों आज वो छोटा सा बच्चा बबरा बहान और अपने पिता गांडीवधारी अर्जुन के ऊपर अपनी शक्ति का प्रहार करता है। बेटा मराठी के माध्यम से किस प्रकार से क्या काम किया। छोटा सा बच्चा बबरा बहान अपने पिता गांडीवधारी अर्जुन के ऊपर अपनी शक्ति का प्रहार कर रहा है। कैसे ये तक के मारे भारत भया काल दे सगुना
है काज भवन। इस तरीके से रानी चित्रंगा को महलों के अंदर सगुन हो जाते हैं। लेकिन सरदारों, आज वो छोटा सा बच्चा बबरा बहान और अपनी माँ चित्रंगा के पास में पहुंचता है। भैया कैसे पहुंचा और क्या हुआ? अर्जुन वीर सोहन्यो है पाले था
किसी दूसरे की जान बचा दे। चाचा जी, उससे अच्छा कार्य कोई हो नहीं सकता। ऐसा एक छोटा सा गाना, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपके सामने पेश है भैया। क्या लिखा गाने में? पावन भूमि मानो मथुरा काशी है। पाई तपो भूमि में तपरे ऋषि हजार अठासी है। सबने मिलके खीर बनाई, देखो कर गए भूल चरासी है। खुली खीर को छोड़ के ना देखे साधु सन्यासी है भाई। सरदारो नीम सार तप भूमि के अंदर 88,000 ऋषियों ने वहां पर यज्ञ किया, लेकिन बंधुओं अंतिम दिन उन्होंने खीर बना करके तैयार की भंडारे के लिए, प्रसादी के लिए। लेकिन चाचा जी एक छोटी सी भूल कर गए, तो खीर को खुली छोड़ करके सभी साधु महात्मा नहाने धोने के लिए चले गए। लेकिन बंधुओं ऊपर वाले की लीला क्या हुई? क्या हुआ बेटा? एक बाज और एक सर्फ में हरे खूब लड़ाई है। एक बाज और एक सर्फ में हरे खूब लड़ाई है। दस बे भाजो सर्प बाज को गफ बाजर स्याई है। मारी झपट्टा फेर बाज ने लियो सर्प, अरे मारी झपट्टा फेर बाज ने लियो सर्प उठाई है। बाज के पंजे ते सर्प छूट के गिरो खीर में जाई है भाई। न जाने कैसे आज वो सर पांच के पंजों से छूट करके उसी खीर में आकर के गिर जाता है। लेकिन सज्जनों, इस नजारे को, इस दृश्य को भैया जी कौन देख रहा था? बेटा पिंटू, खीर में गिरता सर्प फेर एक मेड़की ने लियो लखाई है। खीर में गिरता सर्प फेर एक मेड़की ने लियो लखाई है। मेड़की सोचे संत मरे जब चाहे खीर को, मेड़की सोचे संत मरे जब चाहे खीर को खाई है। तने में वे भोजन कर वे गए संत सब आई है। सजनों, इस नजारे को एक मेड़की देख रही थी। अब तो सभी साधु महात्मा भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन बंधुओं यहां पर मेड़की अपना दिल के अंदर विचार कर रही है, सोच रही है अगर इस खीर को क्या सभी साधु महात्मा खाएंगे तो इन सब की जान चली जाएगी। अगर यहां पर मेरी जान चली जाए
और इन सब की जान बचाए मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन बंधुओं यहां पर मेडकी ने क्या काम किया भैया पिंटू, इतने में वे भोजन करवे गए संत सब आई है, मारू छटा फेर मेडकी गिरी खीर में जाई है भाई गिरी। आहा सरदारो, यहां पर मेडकी ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। अब तो सभी साधु महात्मा भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन सज्जनों जैसे पर्चे में से खीर को निकालना चाहा, संतों ने मरी हुई मेडकी को खीर के अंदर देखा है। संत विचार कर रहे हैं कि भैया इस मेडकी ने हमारा ये भोजन दूषित कर दिया है, खराब कर दिया है, जरा इस खीर को फैला दीजिए। लेकिन बंधुओं जैसे खीर के पर्चे को उल्टा किया उसमें क्या निकला है ताऊ जी, क्या निकला है? सर्प का मंजर। जैसे ही सर्प का मंजर देखा मेरे बंधुओं, संत चकित रह गए। अंतिम कड़ी के अंदर गाने का निचोड़, गाने का निष्कर्ष सुनेंगे। और बेटा पिंटू सुने, चिकड़ी वाले ने कहा कर रखो है एक लाइन गाएंगे काहे की फिल्मी दुनिया की। हाँ हाँ, लाल दुपट्टा उड़ गया। जिकड़ी का गाना होता है ताकत का गाना, जिकड़ी का गाना ये सुनिए भैया, यहां पर क्या हुआ है? यह सर्प का मंजर लख्या खीर में संतन अचरज भारो है, यह सर्प का मंजर लख्या खीर में संत नचरच भारो है, खुद मर गई और हमें बचाई गई कर गई काम। संत कह रहे इस मेडकी ने हमारा भोजन दूषित नहीं किया, बल्कि इसने तो अपनी जान दे करके हम सबकी जान बचाई है, हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। जब एक मेडकी इतना अच्छा काम कर सकती है, इसमें तो हम सभी साधु महात्माएं हमारा भी फर्ज बनता है कि हमको भी इस मेडकी के साथ में कुछ न कुछ अच्छा कर्म करना। लेकिन बंधुओं हमारा भारत देश पीरों का देश है, संतों का देश है, वीरांगनाओं का देश है। और या कलयुगों में संतन ने रेड़ मार रखी है, आसाराम लियो, नारायण साईं लियो, रामपाल लियो, राम रहीम लियो, बहुत बड़ी लिस्ट है टाइम कम है। लेकिन चाचा जी मैं बताऊंगा यहाँ पर संतों ने कितना अच्छा कार्य किया है। बेटा एगो गानो, अरे चिन्नी करी बनाए दे कन्या रूप धमक रहो न्यारो है, अरे चिंदी करी बनाई दई कन्या रूप दमक रहो न्यारो है, मंदोदर जको नाम धरो के लखन उबर के बारो है भाई लखन।